हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एटीएम कार्ड इन आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक। किसी भी रीज़न के वजह से एटीएम कार्ड इशू करना है, अप्लाई करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके लिखना है नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए 12345 लिखा है, आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही मेरा सेम टू सेम कॉपी करके आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो हर किसी के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक। इसके बाद आपको एक स्पेस देना है और यहाँ पर दूसरी लाइन कंटिन्यू करते हुए लिखना है माय ओल्ड एटीएम कार्ड इज़ नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग अ न्यू एटीएम कार्ड। इतना आपको यहाँ पे लिखना है, फिर एक बार स्पेस देना है और नीचे लाइन कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद लिखेंगे थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। इतना आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख देना है। इसके बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे न्यू एटीएम कार्ड इशू रिक्वेस्ट। इसके बाद आपको अपने बैंक की जीमेल आईडी डालना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है अपने बैंक को। सेंड करने के कुछ देर के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे आपका न्यू एटीएम कार्ड इशू हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन, जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना न्यू एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट करके इशू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन वर्क नहीं किया तो सेकेंड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने बैंक के नज़दीकी ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको फॉर्म लिख के सबमिट करना है न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए, इशू करने के लिए। सबमिट करने के बाद आपको 7 to 8 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाएगा और उस टाइम पीरियड में आपके घर तक एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आ जाएगा बाय पोस्ट। और अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। यहाँ पे आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और वहाँ पर आपको प्रोसेस पूछना है न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करने का, इशू करने का। जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो फॉलो करके वहाँ से भी आप अपना एटीएम कार्ड इशू करवा सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।